ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप सब कैसे हो? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पत्ते गोभी की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी। वैसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीक़ों से बनाएंगे, जिन्हें नहीं पसंद है वो भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। सिंपल से पत्ते गोभी की पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर आधा केजी पत्ते गोभी लिए हैं, तो सबसे पहले इसे हमें पतले पतले स्लाइस में इस तरीके से कटिंग कर देना है नाइफ से। इसी प्रोसेस से हमें कटिंग कर लेना है पत्ता गोभी को। गैस पर रख दिया पैन, पैन अच्छे से गर्म हो गया है तो एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, छोटे वाले चम्मच से आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 8 से 10 अदरक कुटा हुआ लहसुन, 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। अब इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, इसे भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसे भी भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गए हैं तो इसमें हम पत्ता गोभी ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट इसे इसी तरीके से भूनना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर कुक होने देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, चटपटा स्टफिंग बनकर रेडी हो गया है तो इसे हम इस तरीके से ठंडा होने देते हैं। अब हम आटा का डो लगा लेते हैं। 3 कप गेहूं का आटा लिए हैं, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, आटा का डो तैयार कर लेंगे। आटा का डो तैयार हो गया है, स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। अब हम फटाफट लोइया तैयार कर लेते हैं और इसे देखिए पेड़े बना लिए हैं, तो इस तरीके से कटोरी के शेप देते जाएंगे। 1 चम्मच स्टफिंग ऐड कर रहे हैं। अब इस तरीके से गोल गोल करके ऊपर से इस तरीके से आटा को देखिए उठाते हुए फोल्ड कर देंगे। इसे नीचे की तरह से दबा देंगे अच्छे से, जिससे कि ये खुलने ना पाए। बेलन से हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा में इसे हम डस्ट कर लेते हैं, इससे बेलने में आसानी हो जाता है। तो तैयार हो गया बिल्कुल रोटी की तरह पतला, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। देखिए थोड़ा सा हल्का 1 इंच तैयार हो गया है। गैस पे रख दिया था, पैन अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड तेल पहले से ही लगा दिया था। अब इसमें हम डाल दिए हैं ये रोटी। अब इसे एक तरफ से हो गया है तो दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी टर्न कर लेते हैं, रिफाइंड तेल लगा देंगे। अभी देखिए फूलना स्टार्ट हो गया है, इस तरीके से हल्के इसे दबा कर फुला लेना है। बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं तो इसे दूसरी तरफ से टर्न कर लेते हैं। इसी तरीके से करके पत्ते गोभी के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो लीजिए चटपटा पत्ते गोभी की पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। वैसे इसे आप सुबह शाम नाश्ते में सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को टिफिन भी दे सकते हैं। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।